वक्त मैं दोबारा दुनिया के हालात के हवाले से दुआ के लिए भी कहना चाहता हूँ। अब तो मगरबी दुनिया बल्कि अमेरिका के भी बाज़ लिखने वालों ने ये अखबारों में लिखा है कि बदले की भी कोई इंतहा होनी चाहिए, और अमेरिका और मगरबी ममालिक को हमास और इसराइल की जंग में अपना किरदार अदा करना चाहिए और सुलह और जंग बंदी की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लगता है कि लिखने वाले ये भी लिखते हैं कि लगता है कि ये लोग जंग बंद करवाने के बजाय भड़काने पर तुले हुए हैं। इसी तरह अमेरिका, कल खबर थी कि वज़ारत खारजा के एक बड़े अफसर ने इस बात पर इस्तीफ़ा दे दिया कि अब इंतहा हो चुकी है, फ़िलिस्तीनी मासूमों पर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हो रहा है और इसका ख्याल रखना चाहिए अब बड़ी ताकतों को। तो इन लोगों में भी शरफा मौजूद हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा मीडिया भी आता है, बाज़ यहूदी रवाई भी इनके हक में बोल रहे हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने भी बयान दिया है कि अगर इसी तरह ये ममालिक अपना रवैया रखे रहे तो ये जंग पूरे ख़ित्ते में फैल जाएगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि दुनिया में फैल जाएगी। बस होश के नाखून लोगों को लेने चाहिए। इसी तरह मुसलमान ममालिक को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक होकर और एक आवाज़ होकर बोलना चाहिए। अगर दुनिया के 53 ममालिक कहे जाते हैं मुसलमान हैं, एक आवाज़ में बोलें तो ये बड़ी ताकत होगी और इसका असर भी होगा फिर, वरना इक्का दुक्का आवाज़ें जो हैं कोई असर नहीं रखती। और यही एक तरीका है दुनिया में अमन कायम करने का और इस जंग के ख़ात्मे का। बस मुसलमान ममालिक को दुनिया को तबाही से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला इनको तौफीक भी दे इसकी। लेकिन बहरहाल हमें दुआओं पर ज़ोर देना चाहिए, अल्लाह ताला इस जंग का भी ख़ात्मा करे और मासूम मज़लूम फ़िलिस्तीनियों की हिफाजत फरमाए, मज़ीद उन पर ज़ुल्म ना हो और ज़ुल्म को दुनिया से ख़त्म करे जहाँ भी हैं ज़ुल्म। अल्लाह ताला हमें दुआओं की भी तौफीक दे।